#TikTokExposed जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा। उन्होंने इस तस्वीर को क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका में भी वही हुआ और उससे ज्यादा भयावह हुआ? कैप्टन अमरिंदर अमित शाह के घर पहुंचे हैं। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के क्या मायने हैं? कि क्या अमित शाह सोशल मीटिंग्स करते हैं क्या? हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को जवाब देना होगा, सरकार क्यों जवाब देगी? इस वीडियो में बात इस हफ्ते में गोदी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करते हैं। इस हफ्ते इजी न्यूज ने टिकैत का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिस पर वह पूरे हफ्ते बात करते रहे। एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में इस पर बात की। सबसे पहले आज आपको वो खबर दिखाते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। आपको जी न्यूज का वो स्टिंग ऑपरेशन बताएंगे, दिखाएंगे, जिसके बारे में इस समय सब जगह चर्चा हो रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको भारत को बंद करने वाले किसान नेताओं के दो चेहरे साफ दिखाई देंगे। एक चेहरा वो जो ये लोगों के सामने रखते हैं, एक बातें वो होंगी जो ये सार्वजनिक मंच पर आकर भोले भाले किसानों को धोखा देने के लिए कहते हैं, और दूसरी बातें वो जो पर्दे के पीछे कहते हैं। इस खबर पर हमने एक हैशटैग क्रिएट किया है और वो है #TikTokExposed जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। और ये हैशटैग इस समय पूरे देश में #1 हैशटैग है, #1 पर ये ट्रेंड कर रहा है। आप भी अगर चाहें तो अपनी राय इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, ताकि इन नेताओं की सच्चाई और उसके साथ आपकी राय पूरे देश तक पहुंचे और पूरी दुनिया तक पहुंच सके। ये तो सबको पता ही है कि एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वे भी सुधीर चौधरी का, जिसकी वजह से वे जेल भी गए थे। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया गिरफ्तार। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। मीडिया उनका स्टिंग ऑपरेशन करता है, जो सरकार पर लगातार सवाल उठाते हैं। विपक्ष सरकार द्वारा किए घोटाले सामने लाता है, पर उस पर मीडिया कभी ना ही स्ट्रिंग करता है और ना ही कोई जांच। एक और वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें पत्रकार सोनिया गांधी द्वारा किए ट्वीट पर बात कर रहा था, पर सोनिया गांधी का कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। इस हफ्ते अमीश देवगन कांग्रेस पार्टी को डांट लगाते नजर आए। वो अक्सर कांग्रेस प्रवक्ताओं को डिबेट में सरकार के खिलाफ बोलने पर टोकते हैं। हाल ही में कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद अमीश गुस्से में दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त पुजियत कहते करता और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमाग लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा। जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर, कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े नेता, इतने स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते, कन्हैया कुमार बचाएगा। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, मुदित अग्रवाल अपने दिल में भी घुस के पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री मोदी पिछले हफ्ते अमेरिका गए हुए थे और हमारा मीडिया भी उनके साथ गया था। अंजनम कश्यप की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। आप टाइम्स की ये वीडियो देखिए, इसमें पत्रकार सुशांत सिन्हा यूएसए में एक जगह में है, जहां अमेरिकी सरकार ने कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी है, और सुशांत सिन्हा अमेरिका सरकार को उनके खराब हेल्थ सिस्टम के लिए घेर रहा है। वेयर आर यू सुशांत भाई, कहां चले गए हो? एम्स्टर्डम ट्यूलिप्स, व्हाट आर दीस? ओ, दीस आर फ्लैग। क्या है ये सफेद चादर? हमने कभी नहीं देखा ऐसा। ये दरअसल, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये झंडे, और ये जो झंडे हैं वो अमेरिका में कोरोना से हुई एक एक मौत की गवाही दे रहे हैं। एक एक झंडा जो लोग यहां कोरोना से मरे उनकी उनके लिए लगाया गया है। कि भारत में जो जलती चिताएं दिखाने वाले लोग थे, उन्होंने इस तस्वीर को क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका में भी वही हुआ और उससे ज्यादा भयावह हुआ जो भारत में हुआ? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका, जिसके पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं रोक सका लोगों को मरने से? लेकिन भारत में जलती चिताओं की तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डॉलर में बेचे गए,
उसका तमाशा बनाया गया, आपके अपने हमारे अपने जो मरे उनकी मौत का तमाशा बनाकर छोड़ा गया, उस पर पॉलिटिक्स की गई, इस पर क्यों नहीं हुई? कम से कम अमेरिकी सरकार के पास कोविड से मरने वालों के सही आंकड़े तो हैं। भारत में गंगा में कई शव तैरते दिखाई दिए। सरकार ने ये तक कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, पर सुशांत सिन्हा भारत सरकार को इन मुद्दों पर शायद ही सवाल करे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत की मीडिया की काफी तारीफ भी की। अमेरिका के मीडिया ने सरकार को भारत की मीडिया को अच्छा बताने के लिए घेरा भी। As he sat down with Prime Minister Modi last week, the president said that the Indian press is better behaved than the US press, and then he advised him not to take questions. Thanks, Jen. Going back to the Friday meeting with the Prime Minister, the president said that the Indian press was better behaved than the US press, but the Indian press is ranked 142nd in the world, according to Reporters Without Borders, for press freedoms. I mean, how does he say that about the US press compared to the Indian press? देश में कई बड़े मुद्दों पर अभी भी बात नहीं हो रही और ना ही महंगाई जैसे मुद्दों पर आम जनता को कोई राहत मिलती दिखाई दे रही है। इन सभी मुद्दों को जिसे उठाना चाहिए, देखते हैं वे मीडिया किन मुद्दों में व्यस्त है। नया एपिसोड पंजाब का हुआ है, उसके बाद सांस का संकट खड़ा हो गया है। आईसीयू में कांग्रेस अभी कितनी सांसें बाकी हैं? क्या टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी कांग्रेस? क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है। अब पंजाब में अब इलेक्शंस की तरफ पड़ रहे थे, उनको चुपचाप अपना काम दिया गया था, यहाँ वो पावर प्ले में लग गए। कैप्टन अमरिंदर अमित शाह के घर पहुँचे हैं। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के क्या मायने हैं? कि क्या अमित शाह सोशल मीटिंग्स करते हैं क्या? नहीं, he is not that kind of a politician. मौसम पर बातचीत करने आए होंगे पंजाब से। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो जाने ही रहे, धकेल रहे हैं आप कि जाओ जाओ कैप्टन गो। कैप्टन कांग्रेस को छोड़ेंगे या फिर तोड़ेंगे? लेकिन प्रियंका और राहुल तो ऐसे अपने आप को समझने लगे हैं। हिस्ट्री भी इनकी एक परिवार के इर्द गिर्द है, वर्तमान भी इनका एक परिवार के इर्द गिर्द है, तो भविष्य भी लग रहा है कि पार्टी से हटकर परिवार ही हो जाएगा। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें मीडिया को काफी ट्रोल किया गया। आप खुद ही ये वीडियो देखिए। फिर बेरोजगारी और अब ये पेट्रोल की महामारी, सरकार को जवाब देना होगा और इसी टीवी चैनल पर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार चुप क्यों बैठी है? जवाब दे सरकार। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा, सरकार क्यों जवाब देगी? तो और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आगे की, पाकिस्तान में हुआ हमला। काऊ हमला पाकिस्तान में हुआ हमला, पीएकेस्तान में हुआ हमला। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.